गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम स्मृति टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फोर आवर फर्स्ट स्कूल हियर देयर आर फाइव क्वेश्चन लेट सी योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इज देर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ़ योर फैमिली क्या आपके और आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के बीच कोई समानता है विथ हूँ एंड हाउ किससे और कैसे आंसर इज माई वॉकिंग डिसम्बल विद माई फादर सिंस आई वॉक इन ए स्मॉल स्टेप जस्ट लाइक हिम मेरा जो चलने का तरीका है वो मेरे फादर से मिलता है जैसे मैं छोटे स्टेप में चलता हूँ वैसे मैं हमारे फादर भी चलते हैं एंड माई वॉयसेंबल्स विद माई ग्रैंड फादर और मेरा वॉइस जो है वो मेरे दादा जी से मिलता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क क्या आप अपनी फैमिली का हेल्प करते हैं आंसर इज़ यस आई हेल्प माय फैमिली बाय क्लीनिंग हाउस एंड प्रिपेयर बेड मैं घर को साफ करके और बेड को रेडी करके अपनी फैमिली की मदद करती हूँ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर एनी पार्टिकुलर कस्टम फॉलोड बाय योर फैमिली आर दोस क्या आपके फैमिली में कोई खास रीति रिवाज फॉलो होते हैं वाटर दोज वो कौन से हैं आंसर इज़ मेनी कस्टम आर फॉलोड बाई डिफरेंट फैमिली सॉम ऑफ देम आर तरह तरह की फैमिली में अलग अलग कस्टम फॉलो किए जाते हैं उनमें से हैं गोइंग टू टेम्पल और प्लेस ऑफ वॉर्शिप एवरी मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह में मंदिर में और या तो पूजा स्थान स्थल पर जाना नेक्स्ट पॉइंट ग्रीटिंग एल्डर्स इन एवरी मॉर्निंग प्रत्येक मॉर्निंग को अपने से बड़े लोगों का अभिवादन करना नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू सो रिस्पेक्ट टू एल्डर इन योर फैमिली आप अपनी फैमिली में अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट कैसे करते हैं आंसर इज़ वैन एवर एन एल्डर रिलेटिव कम्स टू आवर होम वी टस्ट फिट टू शो रिस्पेक्ट जब हमारे घर कोई भी हमारे रिलेटिव्स में आते हैं तो हम लोग उनका फीट टच करते हैं वी शुड ऑलवेज फॉलो द फैमिली डिसिप्लिन और हमेशा अपने फैमिली का डिसिप्लिन का अनुसरण करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ आवर फर्स्ट स्कूल हमारा फर्स्ट स्कूल क्या है आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल हमारा फैमिली ही हमारा फर्स्ट स्कूल है ओके एवरी वन मस्ट रिमेंबर एंड राइट क्वेश्चन आंसर थैंक यू